हमेशा जो शैतान लगा रहता है, जैसे सिंह कभी जानवर से अलग नहीं होती, उस तरीके से वो शैतान उस इंसान से कभी अलग नहीं होता है, इसलिए उसे करीन कहा जाता है। कभी छोड़ता नहीं वो इंसान को, साथ में लगा रहता है। जी हाँ, इसीलिए गुस्से के वक्त में वो और उठा के देता है, और उठा के देता है, गुस्से में और गुस्सा दिलाता है। छोटे से मसले पर मियां बीवी में झगड़ा शुरू होगा, छोटे से मसले पर, रोटी के मसले में, पानी के मसले में, कपड़े के मसले में, बच्चे के मसले में, घर की सफाई के मसले में, किसी भी छोटे से छोटे मसले में वो आएगा गुस्सा, चढ़ते 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 शैतान उसको इस मकाम पर लेकर आएगा। कभी कभी आदमी उस गुस्से के आलम में छोटी बात पर तलाक पुकार देता है और फिर चक्कर काटता है उलमा इकराम के पास। जी क्या करना है, कैसा करना है? सुभान अल्लाह। इसीलिए नबी ने कहा, गुस्से की जो दुआ है ना, गुस्से के वक्त में पढ़ने की जो दुआ है ना, वो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम है, ये गुस्से की दुआ है। और ये भी कहा कि हालत बदलो, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, वजू बना लो, पानी पियो, अपने आप को ठंडा करो, इसलिए कि यह आग है, पानी इसे ठंडा करती है। सुभान अल्लाह, ये हमेशा लगा हुआ है हमारे साथ। मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूं और मां बहनों से भी मेरी गुजारिश है, इस गुस्से के वक्त में अपने आप को कंट्रोल में रखो, अपनी जबान को कंट्रोल में रखो। और मेरी बहनों से खासकर मेरी गुजारिश है कि बजाय शौहरों को और जवाब देने के, अपनी जबान दराजी करने के, आप खामोश अगर हो गई, 100 में 90% मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। मिंबरे रसूल से अल्लाह को गवाह बनाकर कह रहा हूं, मिंबरे रसूल से अल्लाह को गवाह बनाकर कह रहा हूं, खामोश हो, अब उससे बेहतर है। वजू बनाकर अगर तुम नमाज में खड़ी हो गई, तहियतुल वजू दो रकत नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई, कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं होगा जो नमाज पढ़ती ही भी औरत को गालियां दे। कम से कम खामोश हो जाएगा वो, खामोश हो जाएगा, तुम्हारे रिश्ते बच जाएंगे।